गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों को मैं आरएस जो है अपनी मतलब जिसको हम कह सकते हैं अपनी बीस्ट, तो उसके ऊपर हमने जो मॉडिफिकेशन करवाई थी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया, मतलब ओवरऑल सब कुछ था। तो मैंने कहा यार जब इसमें KNN लगवाया है जिसके ऊपर स्पेशली हमने अलग से 1800 से 2000 रुपये के आसपास खर्च करे हैं, तो भाई उसका एक राइड रिव्यू तो बनता है ना। माइलेज की भाई अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देख माइलेज का इसमें बता पाना मुश्किल होगा, उसके लिए प्रॉपर माइलेज टेस्ट करेंगे कि विद KNN और विदाउट KNN करके, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें भाई परफॉर्मेंस की, देखो जब हम इसको लगवा रहे थे ना, हमने लगवाने से पहले ही एक बात वहाँ पे क्लियर कर दी थी, हमने कहा भैया अगर KNN लगवाने के बाद हमें साउंड अच्छी नहीं आई या फिर आवाज़ में मज़ा नहीं आया, अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी ना तो पैसे नहीं दूंगा और आप इसे फ्री में इंस्टॉल करके दोगे या फिर हटा के मेरी बाइक जैसी थी वैसी करके दोगे। उन्होंने कहा 80% साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको चलाने में मज़ा आएगा। ये बात मैंने भी बहुत यूट्यूब पे भी सुनी थी, काफ़ी जगह मैंने देखा भी था, रिसर्च भी करी थी KNN के ऊपर, देन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाया, तो गाइस ये बात 100% करेक्ट है कि इसकी परफॉर्मेंस में 80% फ़र्क पड़ा है। लगता है कि इसकी जो 1 BHP पावर है शायद इंक्रीज़ हो गई है, स्पेशली इनिशियल पिकअप में, जो इसका इनिशियल पुल है ना, अब मैं आपको अभी फर्स्ट गियर पे इसका इनिशियल पुल आपको दिखाई देता हूँ। फिलहाल इस टाइम पे हम इस पर 2 बंदे राइड कर रहे हैं, मेरा वेट होगा लगभग 60 kg के आसपास, साकिब का वेट होगा लगभग 75 kg के आसपास। तो मैं आपको देखो इसका फर्स्ट गियर से इनिशियल पुल दिखाता हूँ, देखना कैसे उठेगी, पहले ऐसे नहीं उठती थी और मैं कोई उठाऊँगा नहीं, देखो नॉर्मली ये देखो, GoPro के अंदर जो इसकी असली साउंड है ना वो रिकॉर्ड नहीं होगी, असली साउंड मैं सुनाऊंगा आपको आईफोन से रिकॉर्डिंग करके, इसके फ्लैप है इसकी, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना तो मैंने वहाँ पे भी इसकी क्लिप डाल रखी है, और अगर नहीं करते तो यहाँ पर आईडी फ्लैश हो रही होगी, आप लोग मेरे को फॉलो कर लो। देखो जावा भी अपने साथ ही जा रही है, जावा के ऊपर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, मतलब काम चल रहा है, कॉन्टेंट आएगा, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये तो इसकी पहली बात रही इसके इनिशियल पिकअप की, पिकअप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और भाई साउंड भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, एक तो आरएस की साउंड जो बजाज देती है ना टॉप क्लास की है, इसकी अगर आप लेने जा रहे हो ना साउंड पे फिदा हो गया, आप लोग इस बाइक को जरूर परचेज कर सकते हो, साउंड बहुत प्यारी है भाई इसकी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी साउंड का टेस्ट सुना देता हूँ, मतलब साउंड सुना देता हूँ कि कैसी करती है, आगे एक स्ट्रेच आएगा वहाँ पे मैं आपको फुल करके दिखाऊंगा, देखना पूरे फुल RPM तक फुल करूंगा जहाँ तक लिमिटर नहीं आता। और दूसरी चीज़ KNN लगवाने का देखो भाई बेनिफिट क्या है, साउंड इंक्रीज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है, और थोड़ा सा आप जैसे दूर से आ रहे हो ना तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई कोई बाइक आ रही है, मतलब रोड पे अच्छा खासा हल्ला मचाती है भाई अकेली बाइक और बिना किसी एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह के, अगर एग्जॉस्ट लगवा लो और KNN लगवा लो फिर तो भाई ये बवाली कर देगी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बात रही इसका KNN लगवाने की, लगवाने के बाद अब मैं बताता हूँ कि हमें चलाने में मज़े कितने आ रहे हैं। देखो यार अगर आप थोड़ा सा एक मतलब एंथुजियास्ट टाइप के बंदे हो ना जैसे हम हैं, हमें बाइक से परफॉर्मेंस पावर और साउंड सारी चीज़ें एकदम टॉप क्लास की चाहिए, और भाई दिल्ली में आपको पता ही है कि यार गवर्नमेंट क्या मतलब दिल्ली पुलिस कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगवा सकते, EV कलर नहीं हटा सकते, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भाई KNN बेस्ट है, एकदम बढ़िया चीज़ है, कोई पुलिस वाला रोकेगा तो वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये आवाज़ किस बाइक से आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, सीधा बोलेगा बजाज ने ऐसा दिया है। अब आपको मैं इसकी साउंड सुनाता हूँ, भाई आप लोगों ने देख लिया कैसी साउंड आ रही है इसकी, और जब ऐसी साउंड आती है ना तो बाइक चलाने में फील और फन भी एक टॉप लेवल का आता है, एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है ना वो एकदम टॉप नॉच पे चला जाता है, साकिब है ना भाई, मज़े आ जाते हैं कसम से। और अगर आप छोटे गियर पे चल रहे हो ना, छोटे गियर पे इन द सेंस कि अगर आप किसी गियर में थोड़ा हाई एक्सेलरेशन ले रहे हो तब तो भाई ऐसी चिल्लाती है ना कसम से मैं क्या ही बताऊँ। तो भाई देखो KNN लगवाने के बाद राइड क्वालिटी तो भाई बाइक की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और स्पेशली इसके जो कहते हैं ना थोड़े से हॉर्स पावर में लग रहा है कि इंक्रीमेंट 0.5 BHP का या 1 BHP का आ गया है हमारे हिसाब से। अगर किसी को ये बात मतलब चेक करनी है ना, अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, आप कभी मेरे को मिल लेना, आप इसको चला के देख लेना, अगर आपका लेने का प्लान है तो मैं आपको दिखा दूंगा आप इसको चलाना आराम से, 1.5, 2, 10, 12 जितने किलोमीटर चलाना होगा चलाना,
फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बाइक में KNN लगने के बाद कुछ तो मज़े आ गए हैं। और अगर आप स्टॉक चलाना चाहते हो तो वैसे भी इसके अंदर भाई बजाज आपको रेसिंग एग्जॉस्ट देता ही है, बहुत अच्छी साउंड आती है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, आप उस पर भी चला सकते हो। मगर हमें थोड़ा सा भाई देखो मॉड कराने का शौक है, अपन ने ली ही इस वजह से है यार कि अपन जो भी अपनी बाइक पर करना चाहे ना कर सकें, तो वही एक रीज़न है बस। Mm-hmm.